हम बीमार होते क्यों? क्या इसका रीजन हमेशा कोई बैक्टीरिया या वायरस ही होता है, या बारीकी से देखने से क्या कोई दूसरा रीजन भी मिल सकता है? हाय, दिस इज डाइटिशियन निशा वशिष्ठ। आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बीमारियों के रीजन को पकड़ने वाले हैं। Here's the situation. You go out with your friends for a dinner and have a delicious tandoori dish. It's spicy, loaded with butter, but you love it anyway. Soon you feel some discomfort. That discomfort turns into a burning sensation, which turns into acidity. What do? You call up your doctor, pop a pill, and feel better. Another familiar situation, आप देर रात तक ऑफिस के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इतने स्ट्रेस हैं कि आपको हेडेक हो रहा है। आपने क्या किया? You took a painkiller, you feel better and you get back to work. आप देखिए, यहाँ हम एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और वो ये है कि हम अपने सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, रूट कॉज को नहीं। जो भी डिस्कम्फर्ट जनरेट हो रहा है वो इसी बॉडी में हो रहा है। बॉडी आपसे अलग अलग तरीके से रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है। देयर इज वन रीजन बिहाइंड ऑल दीज डिजीजेस, द एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। यस, फॉर ऑल डिजीजेस, वेदर इट इज शुगर, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्टोन्स, लिवर इश्यूज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, इन्फ्लेमेशन, जिनके लिए हमें मेडिसिंस दी जाती हैं ताकि उनके सिम्टम्स को सुप्रेस कर दिया जाए, इन सब के पीछे जो रीजन है वो यही है, टॉक्सिन्स का हमारे शरीर में होना। ये टॉक्सिन्स आती कैसे हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है फूड से, डाइजेशन की मदद से फूड में से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाते हैं और बचे हुए वेस्ट को बॉडी से निकाल दिया जाता है। लेकिन इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से बॉडी की वेस्ट को एलिमिनेट करने की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जाती है और टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। आप सोचिए, क्या होगा अगर सड़क पर ट्रैफिक जैम हो और उसे क्लियर करने के लिए कोई पुलिस ऑफिसर ही ना आए? आपकी बॉडी के साथ भी वही होता है। जब टॉक्सिन्स आपकी बॉडी पे हावी हो जाते हैं, सभी टॉक्सिन्स बाहर से नहीं आते। There are some toxins that our body generates naturally, but क्योंकि इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारी बॉडी उन्हें एलिमिनेट ही नहीं कर पाती है, और ये टॉक्सिन्स डिजीज़ेस कॉज करते हैं। अब थोड़ा बायोलॉजी की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि बॉडी में एक्चुअली होता क्या है। होता ये है कि जब बॉडी फूड को ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन करती है, तब उसके रिजल्ट में एनर्जी के साथ कुछ फ्री रेडिकल्स भी जनरेट होते हैं, जिन्हें ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स, विच इज द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी, उनको डैमेज कर देते हैं, और जब ये एक्सेस में हो जाते हैं तो ये हमारे रिपेयर प्रोसेस पे हावी होने लगते हैं। तब होता है बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में पॉल्यूशन, रेडिएशन, स्मोकिंग, यूवी लाइट और इन्फ्लेमेशन से भी एंटर होते हैं। लाइक इफ यू कट एन एप्पल एंड लीव इट अनकवर्ड इन द ओपन, यू विल नोटिस दैट इट स्टार्ट्स टू चेंज इट्स कलर। कंटिन्यू टू लीव इट देयर एंड इट विल रॉट। दैट इज व्हाट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डज टू योर बॉडी। According to an article published in US National Library of Medicine, oxidative stress can cause chronic diseases like cancer, diabetes, arthritis, cardiovascular diseases, etc. Think about this. What is obesity? Accumulation of excess fat, right? Which are actually toxins. Why do we have pimples? Because your skin is secreting more sebum than it is supposed to. And that's happening because of extra toxins. Cholesterol क्या है? Arteries की blockage ही तो है। उसका भी तो reason uneliminated toxins ही तो हैं। This is true for every disease or discomfort in your body. Toxins कहीं ना कहीं body के काम करने के processes को hamper करते हैं। Over the period of time, जैसे-जैसे ये toxins और free radical damage बढ़ते रहते हैं, तब ये cholesterol, high BP,
मोटापा, डायबिटीज, थायराइड, स्टोन्स का नाम ले लेते हैं। सी, आज हमने काफी गहराई से बीमारियों के कारण को समझने की कोशिश की है, राइट? काफी साइंटिफिक बातें भी हो गई, पर डरने की कोई बात नहीं। इन टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स से छुटकारा आप और मैं मिलकर पाएंगे। This is why exactly I have started this channel, Forever Healthy with Isha. Now that we have understood the problem, we will together discover solutions in upcoming videos. Stay tuned and subscribe to my channel.